सर हम लोग सब एग्रीव कैंडिडेट्स हैं जो पुलिस रिक्रूटमेंट में हुआ था आपका 2019 में फरवरी में हुआ था सर, उसमें जो जो रिटर्न क्वालिफाइड हुआ था सर उसको नहीं मिला है, और इसमें देखा गया तो सर वैकेंट पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 426 रिमेन है, देन हम ऑलरेडी रिटर्न क्वालिफाइड किया है और हम लोग वाइवा भी दिया है, देन हम लोग को डिसक्वालीफाई कर दिया, क्यों कर दिया पता नहीं। हम लोग ये सेक्रेटरी जाके हम इसे गवर्नमेंट से अप्रोच करने का ट्राई किया था, देन उसको हमें कुछ रिक्वेस्ट लेटर भी सबमिशन किया था, देन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, जिसका वजह से आज हम लोग ये करना पा रहा है, उसमें मिल भी नहीं पा रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे हम लोग जस्ट भवन फिलिक सर को भी मिला था, उसने जस्ट बता रहा है कि हम लोग को ये सिस्टम ही नहीं है, आप लोगों को नहीं हो सकता है। तो हम जस्ट ये पूछना चाहते हैं कि जितना भी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी है, पॉलिसी मेकर्स है, कि हम लोग क्यों दे नहीं सकते हैं, क्या रीज़न है, जिस वजह से देखिए आप देख लीजिए इतना अनएम्प्लॉय हो रहा है कि आप यहाँ देखिए जितना भी स्टूडेंट है सब स्टूडेंट्स है, सब अनएम्प्लॉय है, देन उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे हम अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, देन उस सिस्टम का क्या काम, क्यों रखा, क्यों बनाया गया है, किस लिए रखा है, सिस्टम क्या है वो आपको सिस्टम को बताइए, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम अलग होता है, आप कुछ दूसरा सिस्टम बताने के लिए कोशिश। नहीं सर सिस्टम सर आप ये कंसर्न अथॉरिटी से पूछ लीजिए उनका क्या सिस्टम है, उन्होंने भी हम लोग को बताया ही नहीं क्या है, जस्ट हमको दिस फॉल क्वालिफाई कर दिया एंड वैकेंट पोस्ट है और हमें नहीं भर रहा है, क्यों नहीं भर रहा है, किस लिए नहीं भर रहा है ये हमें पता नहीं है, देन आप उनसे पूछे आई थिंक वो आपको बता देंगे। क्या आप लोग जो इंटरव्यू जो दिया था क्या इंटरव्यू था IRBn का ना, IRBn एंड पुलिस कांस्टेबल जी दिया था कि आप लोग पास हो गया रिटर्न और क्वालिफाइड वाइवा सब क्वालिफाइड हो गया आप लोग। जी सर क्वालिफाइड हो गया, वाइवा भी क्वालिफाइड हो गया, आप लोग का पैनल लिस्ट में नाम है नहीं है सर, तब कैसे बोलेंगे आप क्वालिफाइड हो गया बोलते सर, पोस्ट है ना सर आप, नहीं, नहीं, आप हमको बताइए हाँ। जब आपने इंटरव्यू दिया जी आपका नाम रिटर्न में नहीं आया तो हाउ यू आर क्वालिफाइड। नहीं नहीं सर रिटर्न में नाम आया सर, रिटर्न में हम लोग क्वालिफाइड नाम आया, देन हुई हम लोग वाइवा तक गया ठीक है, देन वाइवा के बाद जो फाइनलिस्ट था उसमें नहीं आया, एंड देखा गया सर वैकेंट पोस्ट बचा है, देन हम लोग का नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया सर वो हम लोग को पता नहीं, जिसका दौरान आज हम लोग ये रैली किया है, उसके बाद कुछ धरना बेच रहा है ताकि इससे गौर ने बताया कि हमने क्यों नहीं दिया है, आप पोस्ट को बचा के रखा है, पोस्ट को किस लिए बचा के रखा, क्यों बचा के रखा है, जबकि इतना पोस्ट बचा है और हम लोग को नहीं दे रहा है, जिसका बस मैं हम लोअर डेवंग वैली से बिलोंग करता है रोइंग से, तो जिसे प्रेसिडेंट सर जो बोला है उसका एपार्ट अगर हम जो कुछ बोलना चाहेगा वो ये है कि जैसे हम लोग को बोला गया है कि जो अभी जो पोस्ट रिमेनिंग पोस्ट है 426 पोस्ट उसको फ्यूचर में जो अपकमिंग आने वाला है उसमें इंक्लूड करेगा बोल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल होगा, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट आया था एडवर्टीजमेंट 2017 में रिलीज हुआ था, लेकिन उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होते होते नियर अबाउट 2 ईयर्स लग गया, 17 का पोस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जो 19 में कंप्लीट हुआ है, तो अभी हम लोग जस्ट उसको र्यूमर्स ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आगे जाके फॉर एग्जाम्पल अगर 2022 में अगर निकलता भी है तो भी प्रोसेस कंप्लीट होते रहे 2025 तक पहुँच जाएगा, तब तक बहुत सारा हम लोग का भाई बंधु कुछ ऐसा भी असिस्टेंट लोग ऐसा है जिसका अभी मैंने गवर्नमेंट जो अप्लाई करने के लिए लास्ट टाइम है मैंने एज पार हो रहा है और वो लोग ऐसा बोला है तो बोले कि आप लोग का एज लिमिट बढ़ा देगा ST का, सर एज लिमिट बढ़ा भी दिया लेकिन भी हम लोग कैसे अब यंगस्टर लोग के साथ कैसे कम्पीट कर सकेगा, हम लोग एट दैट टाइम जब रिक्रूटमेंट दोबारा आएगा तब तक हम लोग 28-29 पहुँच जाएगा, तो उसमें हम लोग 21-22 ईयर्स वाला यंगस्टर लोग से कैसे कम्पीट कर पाएगा, वही है मेरा जो सो उसका एग्जैक्टली टोटल तो हम लोग का 434 समथिंग है, उसमें हम लोग मेल फीमेल को इतना एग्जैक्टली तो वो पता नहीं लेकिन टोटल 434 कैंडिडेट्स है हम लोग का। सरकार से क्या अपील रहेगा? सरकार से यही अपील रहेगा कि हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हटा के हम लोग को अगर हो सकने से करना है हम लोग को रिक्रूट करना है वही हम लोग का डिमांड है, और वैकेंट पोस्ट में जो वो है रिक्रूट करना है हम लोग को एडजस्टमेंट जैसे भी कर देने से ठीक है, क्योंकि सर अभी हर कोई तो यहाँ में जितना भी हम लोग यहाँ में जितना भी एग्रीव कैंडिडेट्स है सबको एक जॉब चाहिए सर, डेस्परेटली चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ में रैली और धरना तक के लिए हम लोग उतर गया सर। We want justice.